चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई क्विकलाइम है क्या। तो क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब पूछ रहा है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो साफ ही दिख रहा है एक तो ये कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट कौन कौन से है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, बस ऐसे ही बताना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें तो इसका फॉर्मूला ही लिख दे, तो कॉमन नेम था इसलिए हमें फिर भी सोचना पड़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइम। याद रख लो कॉमन नेम क्विकलाइन है और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। इसका तो केमिकल नेम ही लिखा हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो एलिमेंट कौन कौन से है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसा होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है, तो ये दो एलिमेंट है, ठीक है। तीसरा है बेकिंग पाउडर, देखो यहाँ पर कॉमन नेम आ गया, तो अब इसका हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए पहले, तभी हम एलिमेंट बता पाएंगे। तो बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है फॉर्मूला उसका, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट NHCO3। अब बताओ इनमें इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ये चार तरीके के एलिमेंट है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बताओ, यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन कलर से। एक तो पोटेशियम आपका हो गया पोटेशियम के, एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें तीन तरीके के एलिमेंट है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं होती इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से, और अगर हो भी रही हो तो क्या दिक्कत है, दिक्कत होना में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर खत्म हो रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे आप बताओ, कौन सा पढ़ो नेक्स्ट चैप्टर, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ही पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले।